और चारों धामों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता और धामों में यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता को लेकर बैठक की गई। श्री केदार धाम होटल एसोसिएशन केदार घाटी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें सरकार द्वारा चार धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता एवं धामों में सीमित संख्या की बाध्यता को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में व्यवसायियों ने कहा है कि प्रदेश सरकार तीन धामों में सीमित संख्या की बाध्यता को हटाने का विचार कर रही है, लेकिन केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रख रही है, जिसका केदार घाटी के सभी व्यवसायी पूर्ण विरोध करते हैं। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भांति ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चलाने की भी मांग की गई। काफ़ी असर पड़ा है, जितनी हम पे बुकिंग आ रही धीरे धीरे कैंसिल होने लगी। जैसे यात्रियों को पता चला कि सीमित बाध्यता की गई है धाम में, तो सब कैंसिल करने लगे, क्योंकि लोग हर जगह आना चाहते हैं। यहाँ तक पहले जैसे पहले चलती थी यात्रा, तो इसमें काफ़ी वो है, जैसे हमारे व्यवसाय पे भी काफ़ी असर है। जो हमने ऋण लिया है उसका भुगतान करने के लिए हम पे वो पैसा नहीं हो पाएगा, तो काफ़ी समस्याएं हैं, हर चीज़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। अभी जो सरकार ने ये सीमित संख्या की बाध्यता रखी है, इसमें होटल व्यवसाय ही नहीं बल्कि जो अन्य राज्यों से यहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं वो भी असमंजस की स्थिति में हैं कि उनके एक धाम के लिए उनका स्लॉट तो बुक होता है, लेकिन दूसरे धाम के लिए वो स्लॉट तय नहीं कर पाते हैं, तो वो भी असमंजस की स्थिति में है, जिसके कारण वो कई बुकिंगें कैंसिल कर रहे हैं। इसका पूरा प्रभाव यहाँ के व्यवसायों के ऊपर पड़ रहा है। तो हमारा कई बार हमने शासन को ज्ञापन के माध्यम से भी इसको समाप्त करने के लिए ज्ञापन दिया है। अगर सरकार इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाती है या इसे समाप्त नहीं करती है।